ऐसे जातक का भाग्योदय अपने जीवन के 36वें वर्ष में या 28वें वर्ष में हो, 28वें वर्ष में कहें तो थोड़ा थोड़ा भाग्योदय होता है और 36वें वर्ष में पूर्ण रूप में भाग्योदय हो जाता है। ऐसा जातक शत्रुहंता भी अपने जीवन में होता है, यानी बहुत बड़े से बड़े बलवान शत्रु भी इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। ये उन शत्रुओं के द्वारा भी धन संचय कर लेता है, धन कमा लेता है, शत्रुओं से भी धन कमाने की योग्यता इस जातक के अंदर होती है, क्योंकि ये जातक बहुत ही परिश्रमी होता है। परंतु ऐसे जातक को अपने जीवन में अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति प्राप्त बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसा जातक स्वयं के उपार्जित धन से ही इतना धनी होता है, इतना अमीर होता है कि इसको जरूरत नहीं पड़ती अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी। ऐसा योग तब बनता है जब आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा हो, ठीक है। छठे घर में बैठे हुए द्वितीय के वजह से ऐसे योग जीवन में घटित होते हैं।